हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साग वाला चिकन। आप इसको पालक चिकन या चिकन विद स्पिनच भी कह सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। सुपर हेल्दी डिश है, रेस्टोरेंट स्टाइल। ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लीटर पानी उबालने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है। साथ में हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा बंच पालक। ये 300 ग्राम के आसपास पालक होगा। थोड़ा सा आपने उसके स्टेम्स भी ऐड कर देने, यानी कि डंठन, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाएगी। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी हरा धनिया। गैस का फ्लेम हाई है, अच्छे से इसमें उबाला आ जाए तो कम से कम इसको आपने 3 से 4 मिनट बॉईल कर लेना है, जिससे ये थोड़ा सा पार बॉईल हो जाए। बस उसके बाद हमने इसका पानी पूरा ड्रेन कर लेना है। तो यहाँ देखिए, ये अच्छे से अभी 3 से 4 मिनट कुक हो गया है। पूरा पानी ड्रेन कर लेते हैं और इसमें ठंडा पानी डालकर हम साइड में रख देंगे, ताकि ये काला नहीं पड़े और कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक वोक चढ़ा दिया है। आप चाहें तो कोई पतीला ले सकते हैं। 1 पाव कप ऑयल ऐड कर लेंगे और लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, हरी इलायची और काली इलायची ऐड किए। बस ये अच्छे से तड़क जाए, क्रैकल हो जाए, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम प्याज। प्याज को आपने बारीक बारीक स्लाइस कर लेना है। आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, जब तक ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। 1/2 किलो चिकन ऐड किया है, तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा हम मीडियम हाई कर लेते हैं और हमने प्याज के साथ चिकन को बहुत अच्छे से भून लेना है। जैसे जैसे ये सिकेगा तो प्याज थोड़ा सा इसमें गल जाएगा और चिकन को बहुत अच्छा ब्राउन कलर भी आ जाएगा। 1 चम्मच ऊपर तक भरकर अदरक लहसुन और नमक, चिकन के हिसाब से नमक ऐड किया था मैंने 1 टीस्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते। फ्लेम लो मीडियम रखें और इसको मिक्स कर लें अच्छे से। कम से कम 5 से 6 मिनट इसको हम कुक कर लेते हैं। कुछ देर बाद ये देखिए, ये पूरा ब्राउन सा दिखाई देने लगा है। अदरक लहसुन अच्छे से सिक गया है इसके अंदर और चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो सूखे मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच भर के धनिया, 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला। बस इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम लो रखें ताकि सूखे मसाले जले नहीं और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं, कम से कम 1.5 से 2 मिनट लो फ्लेम पर। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पका हुआ टमाटर। आप चाहें तो टमाटर को प्यूरी करके भी ऐड कर सकते हैं या फिर ब्लांच करके, स्किन पील करके भी ऐड किया जा सकता है। मैंने इसको इसी तरह से ऐड कर लिया था क्योंकि अभी चिकन ने गलना है, तो जब तक इसको कुक कर लें लो मीडियम फ्लेम पर, तब तक टमाटर बिल्कुल नरम नहीं हो जाता है। कवर करके 10 मिनट छोड़ लें। कुछ देर बाद ये देखिए, बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। आप देख सकते हैं टमाटर प्याज बिल्कुल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी ग्रेवी सी फॉर्म हो गई है। चिकन भी ऑलमोस्ट आधा गल गया है इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो पालक, हरी मिर्च और हरा धनिया हमने उबाल लिया था, पार बॉयल किया था, उसको मैंने 3 से 4 टुकड़ा बर्फ डाल के ग्राइंड कर लिया है। बर्फ़ ऐड करने से इसको बहुत अच्छा कलर आता है, आप देख सकते हैं इसका कलर वैसे ही रहता है। और इसको फिर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सर जार के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको क्लीन करके वो भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप जितना ग्रेवी चाहे उतना आप ऐड कर सकते हैं। वैसे पालक की भुनाई बहुत ज़्यादा हमने नहीं करनी है, बस इसको मसालों के साथ अच्छे से कुक कर लेना है, ताकि सारे फ्लेवर्स उसमें उतर जाए और चिकन भी अच्छे से कुक हो जाए। 5 से 7 मिनट के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच अच्छे से भर कर कसूरी मेथी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर कुक कर लें और फिर आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। तैयार है पालक चिकन या साग वाला चिकन। रोटी, नान, पराठा के साथ बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी भी होता है ये। ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से हो गया है ड्राई होने के बाद। आप चाहें तो थोड़ा पानी ऐड करके थोड़ी सी ग्रेवी भी रख सकते हैं इसके अंदर। लग रहा है ना मज़ेदार? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। हमेशा की तरह रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।